तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो गाइस यहाँ पर एक चैनल देख सकते हो। गाइस इस चैनल पर अगर आप वीडियो देखोगे तो सभी यहाँ पर कैट वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। और गाइस ये इतनी कमाल की डांसिंग कैट वीडियो होती हैं जिसको लोग क्लिक करने को मजबूर हो जाते हैं, और जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर गाइस यहाँ पर बात करूँ इसके व्यूज़ के, तो व्यूज़ देखो गाइस इस चैनल पर कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं, और इस चैनल पर मिलियंस व्यूज़ है गाइस। तो आपको बता दूँ कि इस तरह के चैनल मोनिटाइज भी हो रहे हैं गाइस। किस तरह से मोनिटाइज हो रहा है, अगर आप इनके चैनल पर जाओगे तो इनका चैनल मोनिटाइज है। अगर मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो को प्ले करने के बाद और उसमें कमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो कमेंट पे क्लिक करने के बाद गाइस देखो थैंक्स का बटन यहाँ पर ऑन हो चुका है। थैंक्स का बटन कब ऑन होता है गाइस? जब चैनल मोनिटाइज हो जाता है। किसी का चैनल अगर मोनिटाइज हो जाता है तो उसको उस पर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे गाइस वो हमें पैसा भेज सकता है। तो इनका चैनल तो भाई हो गया है मोनिटाइज। तो अगर आप भी चाहते हो अपने यूट्यूब शॉर्ट चैनल पर इस तरह की कैट डांसिंग वीडियो डालना, इसमें गाइस कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इस तरह की कैट वाली वीडियो बनाकर और अपने यूट्यूब शॉर्ट चैनल पे अपलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर आपको फटाफट बताते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले गाइस आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है पिंटरेस्ट। अब गाइस इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लोगे, और इस एप्लीकेशन का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपके यूज के लिए बता रहा हूँ। जब आप इसको क्या करोगे ना, इसको इस तरह से ओपन करोगे तो आपको जीमेल अकाउंट से आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपली आपको एक अकाउंट कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह का एक एग्रीमेंट सेलेक्ट करने को आएगा, आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, तो कोई भी आप ऐसी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो कोई भी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसी, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता, उसके बाद ओके कर लेता हूँ 1993, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, फीमेल हो या मेल हो, तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेना, जिस तरह की आप अपने इसके एप्लीकेशन के अंदर आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। तो मैं तो कहता हूँ आप यहाँ पर सभी तरह की वीडियो पर आप यहाँ पर टिक कर लेना, तो मैं फटाफट यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह की वीडियो मुझे चाहिए, और ये भी चाहिए, और ये कार्टून वाली भी चाहिए, और इस तरह की। कहने का मतलब ये, अगर मैं सब पे टिक लगा देता हूँ हर कैटेगरी के हिसाब से मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर वीडियो आने लगेगी। लेकिन कैट वाली वीडियो आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। साथ ही साथ गाइस इस एप्लीकेशन से आप वीडियो को कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह से ऑल डन पे क्लिक कर देंगे, मतलब जितनी मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर आपको इसको यहाँ पे हम डोंट कर देते हैं अलाउ। देखो गाइस जो जिस कैटेगरी के हमने फोटो सेलेक्ट करे हैं वो सारे यहाँ पर सेलेक्ट मतलब दिखाने लगा है, तो हमें तो सर्च में आना है। ठीक है, मतलब हमें तो अपनी वीडियो सर्च करनी है, तो सर्च में आएंगे। सर्च में आने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो क्यूट कैट वीडियो, तो अगर आप इस तरह से क्यूट कैट वीडियो लिखोगे तो सिर्फ हर तरह की आपको कैट वाली वीडियो मिलेगी, लेकिन हमें तो यहाँ पर डांसिंग वाली वीडियो चाहिए थी। तो फिर से हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्यूट कैट डांस वीडियो लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डांस और बढ़ा लेते हैं, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी वीडियो आ गई हैं। अब ये मतलब इसको आप निकालो कैसे, ये तो आप यहाँ से सेव करोगे तो ये सेव तो सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर हो जाएगी, आपके फ़ोन गैलरी में नहीं जाएगी। तो मान लो इस वाली वीडियो को हमें निकालना है, तो हमें शेयर पर क्लिक करना है, कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है। कॉपी लिंक पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ से बैक। बैक करने के बाद गाइस आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट डाउनलोडर को सर्च कर लेना है। ठीक है, गूगल पे जाना है आपको यहाँ पर, तो मैं फटाफट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पिंटरेस्ट डाउनलोडर पर आपको क्लिक करना है, और इस वेबसाइट को आपको चले जाना है। यहाँ पे गाइस सिंपली जो पेस्ट योर लिंक वाला ऑप्शन है, तो फिर से मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह की वेबसाइट आप देख लेना, एप्लीकेशन को मिस्टेक ना करना, इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखो पेस्ट योर लिंक हेयर, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको जो लिंक हमने अभी कॉपी की थी, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको पेस्ट कर देना है लिंक को पेस्ट करके, और नीचे जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद गाइस ये जनरेट करेगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। इसके बाद आपको कहना है यहाँ पर नीचे आपका डाउनलोड ऑप्शन शो करेगा। देखो गाइस यहाँ पर आओगे ना तो ये वीडियो भी प्ले हो रही है, अब डाउनलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करोगे ये वीडियो फुल प्ले हो जाएगी, आपको नीचे जो 3 डॉट दिख रहा है, ठीक है, जो वॉल्यूम के आगे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ऊपर देखोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कुछ ही KB की वीडियो होती है, ये डाउनलोड हो गई है। अब क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट काम करना है। अगर आप ऐसे ही इस वीडियो को अपलोड कर दोगे तो हो सकता है आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाए, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, काइनमास्टर ओपन कर लूँगा।
काइनवेस्टर ओपन करने के बाद गाइस आपको कहना है इस वीडियो को इसमें ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको छेड़छाड़ करेंगे, कैसे करना है तो 9:60 वाला रेशियो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और 9:60 वाला रेशियो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में जाने के बाद इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आ गई है और देखो इसकी सबसे पहले क्या करना है, आपकी इसके ओरिजिनल जो ऑडियो है इसको आपको बंद कर देना है, वरना आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, इसको हम यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है ऑडियो बंद करके और इसका स्टोरेशन बढ़ा देना है। थोड़ा बहुत आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, इससे क्या होगा ना आपकी वीडियो और अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी और भी बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरह से आप मतलब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कलर चेंज कर लेना, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आप कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका ओरिजिनल ऑडियो यहाँ से बंद कर दोगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जो तीसरा काम है वो है आपको अपना चैनल का नाम ऊपर दे देना है। तो मान लो मैंने ऐसे ही, मेरा अभी कोई चैनल नहीं है लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, मान लो चैनल का नाम है क्यूट कैट्स, इतना मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पर इसका फॉन्ट है ना वो थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एंड्रॉयड पाएंगे इसको बोल्ड कर देंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कहीं पर भी आप रख सकते हो, अपने हिसाब से रखते हो या फिर अपने चैनल का लोगो यहाँ पर लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना, वीडियो ये आपकी हो जाएगी। अब इसके बाद इसको फुल मतलब फुल कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड पे आएंगे, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ऑन करेंगे और इसकी जो विजिबिलिटी है इसको यहाँ से फुल कर देंगे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। अब इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ कर देना सेव। सेव करने के बाद हाई क्वालिटी में करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देना ताकि आपके जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को देखना पसंद करे। इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद गाइस अब यहाँ से ओपन कर लेंगे यूट्यूब एप्लीकेशन। मतलब हम शॉर्ट को अपलोड कैसे करेंगे गाइस, अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज़ करोगे तभी ये शॉर्ट वीडियो आपकी वायरल होंगी। तो क्या करना है ना, अगर आप अपनी मर्जी का म्यूजिक यूज़ करोगे तो वो वीडियो पे व्यूज़ आना नहीं, मुमकिन नहीं है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट्स कैसे ऐड करना है, मान लो आपने यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। अब ऐसे तो आपने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद गाइस अगर आप ऐड म्यूजिक पे जाओगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग पे चला गया, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ से पूरा मतलब प्रोसेसिंग पे ले गया। उसके बाद अब इस वीडियो में साउंड नहीं है तो ऐड साउंड पे जाएंगे और यहाँ से जो भी म्यूजिक हम ऐड करेंगे वो गाइस ट्रेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये गलती बिल्कुल भी ना करना, सिंपली क्या करना, आपको यहाँ से बैक कर देना। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी शॉर्ट को ट्रेंडिंग में भेजना चाहते हो तो वो आप सीख लो। इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो को ट्रेंडिंग में कैसे भेजें। तो सिंपली यूट्यूब पे आना, होम पेज पे, और ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस देखो लॉन्ग वीडियो आ गई है, आपको तो शॉर्ट वीडियो बनाना है तो आपको इस तरह से इधर साइड में कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप इधर स्लाइड करेंगे तो आप शॉर्ट्स पे चले जाएंगे। शॉर्ट्स में जाने के बाद गाइस जो भी म्यूजिक आपके सामने आ रहा है ये सभी शॉर्ट्स ट्रेंडिंग म्यूजिक हैं जो यूट्यूब के शॉर्ट्स में ट्रेंड कर रहे हैं। तो आपको एक म्यूजिक को भी सिलेक्ट कर लेना है, रिमिक्स पे आना है जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद आपको यूज़ दिस साउंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यूज़ दिस साउंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप गाइस आप सीधे गैलरी पे चले जाओ। गैलरी पे जाने के बाद आपको जो वीडियो आपने बनाई थी कैड वाली उसको ऐड कर लेना है, डन कर देना है। डन करने के बाद तो आपको यहाँ पर अच्छा सा टाइटल देना है, कैची टाइटल देना है, कैसे देना है, और यहाँ पर कुछ टैग्स भी यूज़ करना है, हैशटैग। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर क्यूट कैट डांस लिख देना है क्योंकि ये वीडियो है डांस के ऊपर, क्यूट कैट डांस वीडियो। इसके बाद हम एक डंडा लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हैश शॉर्ट्स। तो यहाँ पर एक हैश लगाना है, उसके बाद शॉर्ट्स जैसे ही आप लिखोगे नीचे आपको सजेस्ट करेगा, फर्स्ट वाला आपको ले लेना है। इसके बाद आप हैश शॉर्ट लिख सकते हो, ठीक है। आपको एस हटा देना है, लास्ट का जो एस होता है इसको हटा के रखना है, शॉर्ट सिर्फ लगा देना। उसके बाद एक और लगा सकते हो, हैश वायरल शॉर्ट्स, इस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब ज़्यादा लंबा आप टाइटल ना करना, 100 का होता है लेकिन 100 नहीं भरना है, वर्ड आपको कम रखना है, ठीक है, 70 तक रख लेना। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है, अनलिस्टेड पे लगा के इसको अपलोड करना है, ठीक है, अनलिस्टेड पे लगा के इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको एडिट में आना है, जो टाइटल आपने लिखा था उसको कॉपी करना है और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल के फिर इस वीडियो को पब्लिक कर देना है। इस तरह से गाइस आपको कम से कम 60-70 वीडियो का टारगेट लेके चलना है, आपको लगातार 60-70 वीडियो अपलोड करनी है। उसमें से गाइस आपकी कुछ ना कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो जाएंगी जिसकी मदद से आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जब वो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भाई वो आपकी इसी वीडियो को देखना पसंद करेंगे, तो वो आपकी और वीडियो आपसे मांगेंगे। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने स्टार्ट कर दोगे तो उस पर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे कर लेना, फिर से देख लेना, हो सकता है आपको अच्छे समझ में आ जाए। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।